नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में दोस्तों कक्षा दस के लिए इंग्लिश का जो पेपर है मॉडल पेपर नंबर दो वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और दोस्तों पूरा वीडियो है वो आपको देखना है यहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों का आंसर के साथ हम यहाँ पर वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है तो सबसे पहले दोस्तों हम सेक्शन ए देखेंगे यहाँ पर जिसमें कि आपको एक पैसेज है वो दिया गया है अब पैसेज को दोस्तों मैंने कई बार आपको जो पेपर बताया है इंग्लिश का आ, कक्षा आठ की बात करें नौ दस ग्यारह बारह किसी की बात करें मेरा मानना है कि पैसेज है दोस्तों आप खुद से स्वयं से कर सकते हैं उसको तो उसमें ज़्यादा आपको सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है फिर भी दोस्तों हम किस प्रकार का पैसेज आपका हो सकता है और क्या उनके आंसर बन सकते हैं वो पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं साथ ही दोस्तों आपको पी फाइल मिल जाएगी पूरा सोल्यूशन uh, के साथ और डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का फेसबुक का इंस्टाग्राम टेलीग्राम सभी का आप उनको ज्वाइन कर लेना यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपको दिया गया है एक एवरीडे इंडिविजुअल वांट पीस ऑफ माइंड यानी कि एक पैसेज दिया गया है सीधी सीधी बात है ठीक है अब यहाँ पे दोस्तों इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है जैसे कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इट इज़ ए डिस्टेंड ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है आपको इस पैसेज के माध्यम से अब आपको इसमें से सही आंसर छाटना है तो दोस्तों अगर आप इसको अच्छे से रीड करेंगे तो आपको इसमें अपना आंसर वो आराम से मिल जाएगा देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसका आंसर देखिए यहाँ पे पीस ऑफ माइंड डी स्टैंड ड्रीम ऑफ द आलवेंट ठीक है ये यहाँ पे दी गई है ठीक है यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसमें अब जब आप छाटेंगे आप इसको पढ़ेंगे इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको आराम से इसका आंसर मिल जाएगा लेकिन सुविधा के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर है क्या होगा फर्स्ट नंबर में दोस्तों आपका हो जाएगा पीस ऑफ माइंड ठीक है क्या हो जाएगा पीस ऑफ माइंड और यही आपको यहाँ पे दिया गया है अभी अभी हमने देखा यहाँ पे ठीक है कहाँ पर ये देखिए पीस ऑफ माइंड ठीक है तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है द सिक्योरिटी फॉर द फॉलोअर आर तो ये किसके लिए था ये आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप इसको करेंगे तो मेरा मानना है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेंगे इसलिए मैं इसको स्कीप करूँगा बाकी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ आप रोक के अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं अपन मेन तो दोस्तों आपका जो ग्रामर सेक्शन है साथ ही जो आपके क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे किस प्रकार से आपको करना है तो सेकंड नंबर में दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आपका थ्रॉन्स ठीक है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिए व्हाट इज हार्ड ऑफ फाइंड ठीक है व्हाट इज हार्ड ऑफ फाइंड वो भी आप यहाँ पे देख लेंगे चलिए आगे देखते हैं एक और पेसेज आपको दिया जाएगा इसी प्रकार सा रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो तो ये आपको पढ़ना है ठीक है द कॉन्क्वेस्ट द हैप्पीनेस हैज़ मेड डिफरेंट ठीक है ये फैक्ट ऑफ डिफरेंट तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है ठीक है तो चलिए हम यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं एक बार आवर यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है सेकेंड थर्ड तो चार पांच क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाते हैं एक तो होता है आपका जो इसका एम होता है उद्देश्य होता है क्या है इसका शीर्षक है वो क्या है इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो जैसे ही आप पैसेज को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो इसको भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आगे देखते हैं हम मेन uh, मोटो आपका सेक्शन बी आ गया यहाँ पे अब सेक्शन बी में दोस्तों आपको क्या पूछा जाएगा आपका ग्रामर के uh, जो पार्ट है वो पूछा जाएगा इसमें दोस्तों देखो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है इमेजिन दैट यू आर ए स्टूडेंट ठीक है सेकेंडरी ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ योर स्कूल राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हर हिम टू इन्फॉर्म अबाउट पेमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप ऑफ द लास्ट ईयर तो यहाँ पे इसका आपको आंसर है मैं इसी वीडियो में बताऊँगा टेंशन ना ले आप सेकेंड दोस्तों अथवा में दिया गया आपको राइट ये ई मेल लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू शेयर द सेलेबस ऑफ आल सब्जेक्ट ऑफ योर क्लास आप टेंथ क्लास में पढ़ते हैं और आपके फ्रेंड को आपको क्या करना है एक ई भेजना है जिसमें कि वो पूछ रहा है कि आपको पूरा जो सब्जेक्ट है उसके जो सेलेबस है वो आपसे पूछा जा रहा है ठीक है ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दी गई है दोस्तों अगर आपको ईमेल आईडी दी गई है तो आपको वही ई मेल यूज़ करना है अगर आप दूसरी ई मेल यूज़ करेंगे तो आपका एक नंबर है वो कट हो जाएगा ये एक नंबर सीधा सीधा इसी बात का है जो आपको दिया गया है बस आपको उसको वापस से लिखना है ये एक नंबर है मैं पहले बता देता हूँ आपको अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर है वो आपको मिल जाएगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको एक बार ये देखिए यहाँ पे जो ईमेल वाला सेक्शन है उसका आंसर आपको मिल जाता है जो ईमेल मेल यहाँ पर पूछा गया है आपको क्या करना है टू फिर यहाँ पे ईमेल लिखना है अब ये सी सी बी सी सी ये आपको ब्लैंक रखना है सब्जेक्ट में लिखना है नीड फॉर ए कॉपी ऑफ द सेलेबस यानी कि जो आपका सब्जेक्ट क्या था आप क्या मांग रहे थे यहाँ पे सेलेबस मांग रहे थे ऑल ऑफ आपका कोर्स के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे आपको कैसे लिखना होगा लेट ठीक है ईमेल तो ईमेल में सबसे ज़्यादा क्या कुछ भी दिक्कत नहीं है देखिए माय डियर फ्रेंड आपने पहला लिखा फिर होप यू आर मेकिंग ग्रेट इफेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विथ ए वंडरफुल स्कोर ठीक है तो ये सब कुछ यहाँ पर लिख लिया आपने ठीक है जो मेन बातें हैं वो आपने यहाँ पर लिख ली ई e मेल आपने अपना यहाँ पर लिख दिया लास्ट में थैंक्स लिख दिया यूअर सेंस लेली परमोद जैन क्लास टेन डी सब कुछ आपने लिख दिया तो ये सेटअप है आपका रहने वाला है इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए ठीक है ई मेल राइटिंग है वो कैसे लिखना है चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ मैं अगला जो सेक्शन था आपका इसके बाद ये रहा ठीक है राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस ठीक है तो आपको एक स्टोरी है वो जनरेट करना होगा यहाँ पे कुछ दिए गए हैं आप देख सकते हैं ए बी की दी गई है और एक केब सेलर ये दो चीज़ें आपको दी गई है तो मतलब अथवा में दिया गया है दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं तो इनका भी आंसर दोस्तों हमारे पास अवेलेबल है इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं राइट ए ऑफ अबाउट सिक्सटी वर्ड यूजिंग द विजुअल एड विजुअल एड का आपको पूछा जाएगा अब देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है ये एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं ठीक है ये होली का है ठीक है आपकी जो परीक्षाएं हैं वो होली के जस्ट बाद लगने वाली है मार्च में ठीक है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि होली पे भी आपको जो पैराग्राफ है पूछा जा सकता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं तो मानता हूँ कि नाइन्टी परसेंट इम्पोर्टेंट है अब इनके भी आंसर आपको मिल जाते हैं देखिए जो आप ऊपर आपको पूछा गया था ठीक है जो खालिस्तान दिए गए थे आपको स्टोरी है वो कम्प्लीट करना था ए बी एंड ए डव तो ये स्टोरी पूरी यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी आप इसको आराम से फील कर सकते हैं इसको आराम से लिख सकते हैं कैसे आपको क्या करना है दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको मैं मेन बता रहा हूँ आपको कैसे पेपर करना है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ बता रहा हूँ कैसे आपको करना है बस आपसे रिक्वेस्ट ये रहती है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को भी सेंड करें ताकि वो भी अपनी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर सके दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर है वो चैनल पर मिल जाएंगे आपसे रिक्वेस्ट है बस आप देखते रहिए इसके बाद देखिए अगला है इसका मोरल वगैरह भी आ गया सेकंड जो दिया गया था आपको एक क्लेवर कैब सेलर एंड द मंकी ये भी आपने कई बार सुनी होगी ठीक है इसके बारे में कहानी के बारे में तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमने विजुअल एड यहाँ पे देखा था ये रहा ये विजुअल एड था ठीक है और अथवा में एक और पूछा गया था राइट ए पैराग्राफ नो बेग डे इन अबाउट सिक्सटीन वर्ड यानी कि स्कूलों में आपको पता है कि सैटरडे का जो दिन है वो नो बेग डे चल रहा है फिलहाल ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि बिना बेग के फिर आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है ये देखिए फर्स्ट आपको मिल जाता है होली डुलंडी सेलिब्रेशन द गिवन विजुअल एड ठीक है तो ये आपको लिखना है कि जो विजुअल एड है वो दिया गया है उसमें क्या कुछ दिया गया है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है अब अगर मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको बोलूँगा तो वीडियो एक घंटे का बन जाएगा ठीक है जो आपको भी बोरिंग लगेगा ठीक है तो आप इसको आराम से पढ़ लेना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं पहले बता देता हूँ आपको ठीक है नाइन्टी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आपको दिया गया था नो बैग डे स्कूलों में सैटरडे का दिन नो बैग डे है तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज़ इंट्रोड्यूस्ड नो बैग डे ऑन एवरी सैटरडे ठीक है तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है बहुत ही अच्छे से ठीक है चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया आपका पार्ट सी जिसमें छात्र काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं तो इसको चलो मैं आप सोल्व करके बताएंगे इसको पूरा द अर्थ खालिस्तान अराउंड द सन अब दोस्तों पृथ्वी है वो सूर्य सॉरी द अर्थ अराउंड द सन हाँ सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है तो हम बात कर रहे थे आप सिक्स नंबर क्वेश्चन की तो ये दोस्तों जो आपके ट्रुथ से आ, सेंटेंस होते हैं जो सनातन सत्य हैं वो कभी बदल नहीं सकते पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो लगाती है तो इस प्रकार की जो सेंटेंस है उसमें क्या आएगा उसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट पूछा जाता है आपको ठीक है तो छः नंबर में आप क्या भरेंगे यहाँ पे मोज ठीक है ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा देखिए मूव है वो प्रजेंट इंडेफिनेट का तो आ, है ये भी इंडेफिनेट का है लेकिन ई एस जिसमें लगा हुआ रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा सनातन सत्य के लिए ठीक है मूविंग हो गया कंटिन्यू के लिए मूड हो गया पास्ट टेंस के लिए ठीक है तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दूज खालिस्तान सेंट्स खालिस्तान आपको खालिस्तान दिया गया फोर हाफ ऑफ हावर ठीक है तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो सेकंड नंबर में आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका आंसर है हेव बीन सिंगिंग ठीक है क्या हो जाएगा हेव बीन सिंगिंग हेव लगाना है आपको ठीक है नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे गांधी जी खालिस्तान ए आ, डिस्कर्स ऑन प्रेयर मेनी ईयर अगो तो यहाँ पे देखो मेनी ईयर अगो पहले की बात की गई है ठीक है पहले मतलब भूतकाल की बात यहाँ पे की गई है पास्ट टेंस की बात यहाँ पे की गई है तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग आपको है वो यहाँ पे भरना होगा अब यहाँ पे देखेंगे कि पास्ट टेंस है वो आ, किस में दिया गया है आपका ये देखना आपको अब देखिए ग्यू दिया गया है ग्यूज दिया गया है गिविंग और गेव ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो गेव आ रहा है ठीक है ये देखिए गेव ये क्या है सेकेंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा हुआ है और ये फर्स्ट फॉर्म है लेकिन हमें यहाँ देखें ईयर अगो आगो का मतलब क्या हो गया एगो का मतलब क्या हो गया पहले की बात हमें बताई जा रही है पहले का मतलब फास्ट टेंस की तो फास्ट टेंस में आपका सेकंड फॉर्म आएगी जो कि इसी में दी गई है कितना आसान ही है ढूंढना ठीक है सिंपल ये आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दे खालिस्तान द ग्रीन ट्री बाई देट टाइम तो यहाँ पे क्या जाएगा दे कट या दे कट्स दे हेड कट या दे, कट दे हेड कट कट कटिंग तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या बनना है फोर्थ नंबर में आप बनेंगे हेड कट ठीक है क्या बनेंगे हेड कट ठीक है ये किस टेंस का वाक्य है दोस्तों ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का ठीक है दे खालिस्तान द ग्रीन ट्रीज बाई देट हिम सॉरी बाई देट टाइम ठीक है तो ये किसका टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे आ, वेली सेड टू द पैसेंजर आई लाइक योर आल आई लाइक यू आल ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पूछा गया है तो इसमें आप क्या भरेंगे इसमें आपको बनाना बनाना होगा वेली टोल्ड द पैसेंजर ठीक है आप यहाँ पे क्या बोलेंगे वेली टोल्ड सेड को आप इसमें बदल देंगे टोल्ड में बदलेंगे टोल्ड द पैसेंजर ठीक है ये आपने बढ़ लिया इसके बाद आप नया सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे इसको किससे कनेक्ट करेंगे डेट से आप इसको जोड़ देंगे तो डेट ठीक है अब आई दिया गया है आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है ये आपको पता होगा एस ओ एन वन टू थ्री ये आपको याद रखना है अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा और थर्ड पर्सन है तो वो नाउन के हिसाब से बदलेगा ये आपको पढ़ाया हुआ होगा स्कूल वगैरह में आपको अच्छे से याद होगा तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है आई क्या है फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा अब यहाँ पे सब्जेक्ट है वो क्या एक फ़ीमेल है तो फीमेल के हिसाब से आप क्या भर देंगे यहाँ पे सी भर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप कैसे भरेंगे इसको वेली really? टोल्ड द पैसेंजर ठीक आपने ये लिखा देट यहाँ पे आप डेट से कनेक्ट करेंगे डेट सी अब यहाँ पे सी लगाया हमने यार ठीक है सी लाइक्ड देम आल ठीक है तो यहाँ पे आपको पता है कि सेकंड थर्ड फॉर्म यूज की जाती है लाइक्ड अब यहाँ पे दिया गया आपका यू का आपका यू you, यूर ठीक है इस हिसाब से आपका चेंज होगा तो किस में चेंज हो जाएगा आपका देम और आल इस कार से आपका सही आंसर हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पे प्रंजल शे टू राजवीर डू यू नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी ठीक है इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है तो इसको भी आप आराम से बना लेंगे इसको आप कैसे बनाएंगे मैं बार बता देता हूँ आपको इसमें दोस्तों आपको बनाना होगा आ, पंज, आ, प्रंजल आस्क्ड राजीव इफ ही न्यू अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे ठीक है अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि पर्सन वाजक चीन लगा हुआ है इसलिए आप इसको किससे जोड़ेंगे इफ़ ठीक है इफ़ से जोड़ेंगे ये आप ध्यान में रखना है नेक्स्ट देखिए राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिंग गिव द इन ब्रैकेट्स ठीक है तो ये आपको फर, आ, सही करना है तो आठ नंबर में देखिए द फ्रेंड्स वाज वेरी स्मॉल द ओल्ड मैन कुड नॉट रीड इट ठीक है तो प्रिंट वाज वेरी स्मॉल यानी कि छोटा लिखा हुआ है प्रिंट जो किसी चीज़ पे लिखा हुआ है तो जो ओल्ड मैन है जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको नहीं पढ़ पा रहा है ठीक है तो इसको आपको क्या करना है या तो टू और टू आपको दिया गया है तो इसमें आप क्या बढ़ेंगे तो द प्रिंट वाज टू स्मॉल ठीक है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे द प्रिंट वाज वेरी ना लिख के आप क्या लिखेंगे यहाँ पे टू स्मॉल ठीक है यानी कि बहुत छोटा है ठीक है तो ये आपको बढ़ने ला यहाँ पे आगे देखेंगे यहाँ पे सी टीचर लिटरेचर खाल डोट सी टीचर ग्रामर तो बोथ या फिर एंड यहाँ पे क्या आएगा तो सी टीच ठीक है तो so, यहाँ पे सी टीज बोथ ठीक आप यहाँ पे क्या भरेंगे बोथ लिटरेचर एंड ग्रामर ये दो चीज़ें आप लिख लेंगे यहाँ पे. तो so, यहाँ पे आपको बीच में क्या लिख देना है बोथ बोथ ठीक है इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा द टी इज वेरी हॉट आई कैन नॉट टेक इट यानी कि जो टी है चाय है वो बहुत गर्म है तो यहाँ पे दोस्तों अभी अभी हमने बात करी बहुत के लिए तो यहाँ पे दिया गया है सो और देट तो यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म इसलिए मैं इसको नहीं ले सकता या मैं नहीं पी सकता तो थर्ड में आप क्या करेंगे द टी इज सो हॉट द टी इज सो हॉट ठीक है तो यहाँ पर क्या है आपको सो हॉट ठीक है फिर आगे क्या बढ़ेंगे आप आई कैन नॉट टेक इट आई कैन नॉट टेक इट ऐसा कैसा आ जाएगा आपका बस यहाँ पे वेरी की जगह क्या आ जाएगा आपका सो आ जाएगा चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स अब इनको आपको सही करना है तो इसमें क्या बढ़ेंगे आप यहाँ पे दिया गया है मुकेश इज पोइट हिज वर्क आर वाइडली नॉन तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है मुकेश हुज वक्स आर वाइडली नॉन इज ए पोइट तो यहाँ का आपको करना है इसके बाद दोस्तों आप इन सबका आंसर वो दे सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आप चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस पेसी वॉइस आपको बदलना है ठीक है पेसी वॉइस में भी आपको बताया थर्ड फॉर्म आप यूज़ करते हैं यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन क्या बना देते हैं सब्जेक्ट बना देते हैं तो आप सब्जेक्ट आराम से बनाएंगे इसका कैसे बनाएंगे आपने लिखा ए बुक ठीक है ए बुक से स्टार्ट किया ए बुक विल ए बुक विल बी विल बी अब देखिए यहाँ पे आ, विल बी रिटर्न बाई आप क्या बनेंगे रिटर्न डब्ल्यू आर आई टी इन रिटर्न बाई हरी ये आपका सेंटेंस बन गया इस प्रकार से आपको इसको बनाना होगा नेक्स्ट देखिए हेल्प मी प्लीज अब यहां पे प्लीज का भाव आया है ना तो यहां पे आपको क्या करना होगा आई मे हेल्प प्लीज हेल्प मी ठीक है तो यहां पे इसका दो तीन तरह से बनता है आपको जो सू लगे वो आप यहां पर भर सकते हैं इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम पूछा गया आपको तो सीता सा ए स्नेक इन द रूम तो सीता ने अपने रूम में सांप देखा है तो इसको आपको क्वेश्चन बनाना है ठीक है तो आप क्या बनाएंगे वेयर डिड सीता सी ए स्नेक तो वेर डिड वेर डिड सीता वेर डिड सीता फिर आपको क्या बनना है सी सी ए स्नैक ठीक है तो वेर डिड सीता सी ए स्नैक ये आपको क्वेश्चन टेक बनाना है ऐसे ही आपको सेकंड बनाना होगा इसके बाद देखिए अगला जो आपका सेक्शन आता है सेक्शन डी इसमें आपको टेक्स्ट बुक पूछा गया है तो टेक्स्ट बुक में दोस्तों ये आपको पूछा जा रहा है इसके आंसर दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड कर देना है बारह और तेरह नंबर का ठीक है यहाँ पे देखिए ये रहा सेक्शन डी यहाँ पे दोस्तों बारह नंबर का जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा सभी और 13 नंबर का था उसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर दिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे आप आराम से वीडियो को रोक के इसको देख सकते हैं यहाँ पे देखिए पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है आंसर एनी द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट ट्वेंटी वर्ड ठीक है हाउ डज द प्ले एंड ये दोस्तों जो आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है इस चैप्टर से लिए गए हैं ठीक है द प्रपोजल तो ये आप जरूर ध्यान रखिए कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा डेट द फॉलोइंग एस्ट्रैक्ट एंड आंसर इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं हेज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मोड ठीक है ये सब दिया गया है अथवा में आपको एक और दिया गया है दोनों से आप कोई सा भी कर सकते हैं इसके बाद देखिए सेवेंटीन नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे क्या करना है आ, कोई भी आपको टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन दो क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं तीन में से अब ये किस किस चैप्टर से लिए गए हैं आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डस्ट ऑफ नो द ट्री ठीक है ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा गया है इन चैप्टर को आपको देख लेना है और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ चार पाँच ठीक है उनको आप अच्छे से कर लेना हंड्रेड इनमें से मिलने वाला है ये वादा है यहाँ पे देखिए इन सब का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चन ये रहा उसका आंसर सिक्सटीन का ये रहा सेवेंटीन का ये रहा और एटीन का ये रहा इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका ट्वेंटी नंबर का जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों आंसर द टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन तो एट एट वाट डू अनिल लव सॉरी हैव ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड तो ये लिया गया है द थीफ ऑफ स्टोरीज लिया गया है वाट डज और ठीक है ये लिया गया है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट लिया गया है वाई वाज स्लेखा ये लिया गया है आपकी भोली से तो भोली से दोस्तों आपका सौ परसेंट क्वेश्चन बनेगा मैं पहले बता देता हूँ हंड्रेड परसेंट ठीक है इनका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है लास्ट में ये देखिए तो दोस्तों आपको पूरा पेपर है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है तो ये सेकंड मॉडल पेपर था हमारा इसके बाद हम और भी पेपरों के साथ मिलेंगे इसके अलावा मैंने सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर दोस्तों वो भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है एक पेपर और भी पेपर हम समय समय पर करते रहेंगे तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा आपने इसके लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद